सुबह में लगभग 4:15 बजे की घटना है। ये क्या हुआ था? 4:15 बजे एक कार था, कार मतलब आया और बीच पोल में लड़ गया, पोल टूट के गिर गया। यही पोल जो ये दिख रहा है, तो ये टूट के गिर गया। टूट के गिरने के बाद फिर बहुत तेज आवाज हुआ, तब हम लोग जाने कि पोल गिर गया है, फिर आके देखे नीचे पोल गिर चुका था, साथ बिजली बाधित हो चुकी थी। उसके बाद से मतलब बहुत परेशानियां हुई आज बिजली को लेकर। कितने घंटे तक? और समझिए 12 घंटा, समझो 12 घंटा तक बिजली गायब थी और परेशानी रहा, पानी वानी बिजली के चलते पानी वानी नहीं मिल पाया। ऐसा घटना हुआ तो क्या किया जाए। गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी कोई स्कॉर्पियो ही करके थी, स्विफ्ट डिजायर करके थी। स्विफ्ट डिजायर नहीं हुई पहचान, नंबर के अनुसार पहचान हो रहा था कि पटना की कोई गाड़ी है। किधर जा रही थी गाड़ी? पूरब से पश्चिम जा रही थी गाड़ी। तो सिंडिकेट की तरफ? सिंडिकेट की तरफ, पूरब से पश्चिम गाड़ी जा रही है। आप लोग सोए थे? हाँ, हम लोग सोए हुए थे। जो आवाज हुआ ना पोल गिरने का, तब हम लोग देखे। और उसके बाद फिर मोहल्ले में एक सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि मतलब ऐसे ऐसे ऐसा घटना घटा है। तब जाके हाँ धीरे सब कोई तार भी नीचे गिर गया। हाँ, तार और सारा सब नीचे गिर गया था, डिश केबल वगैरह सारा तार गिर गया था, और जो जियो वगैरह का तार होता है। किसी तरह का कोई खतरा होता? नहीं, खतरा कुछ नहीं हुआ, यही बढ़िया बात है, खतरा कुछ नहीं हुआ। मतलब कैसे नहीं हुआ? लाइट तो था उसे? लाइट था, लेकिन मालूम हो गया ना कि सुबह में घटना हो गया था, तो मालूम हो गया था, लाइट कटवा दिया गया था, बिजली विभाग आके अपना लाइट सब काट दिया। ये कौन सा जगह बोला जाता है? आमला टोली का है, बाटा के पास का पोल है ये, मेन रोड। हाँ, आमला टोली मेन रोड का, बाटा के पास है ये। आपका नाम क्या? मैं महेश जी बोल रहा हूँ।